हेलो, गुड इवनिंग संदीप, भारती, मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, ठीक है। आज वो पूरा हो गया था ना हमारा आयोनाइजेशन, आज है प्रोपोर्शनल। एक एक लाइनें इनकी याद रखनी है आप लोगों को, ये बीएससी का पोर्शन है प्रोपोर्शनल काउंटर। अनुपाती गणित, स्ट्रक्चर बना लेते। वैसे तो लगभग सेम ही है, वही सिलेंड्रिकल शेप का एक कैथोड लेना है और उसके अंदर एक वायर की तरह एनोड है, तो ऐसा बना रखा है लगभग लगभग। ये सिलेंड्रिकल एक कैथोड है और इसके अंदर ये इंसुलेशन के थ्रू एक वायर लगा रखा है। ये किसका कार्य कर रहा है? एनोड का। इधर से थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है, किसके लिए? ताकि रेडिएशंस इधर से अंदर आ सके, ठीक है ना। बाकी तो मेटल की हार्ड कोर है तो वो क्या करेंगी, रेडिएशंस को रोक लेंगी। तो ये एक विंडो छोड़ रखी है, विंडो मान लेते हैं इसको, और बाकी तो सिस्टम वैसा का वैसा ही है। बाकी आप सर्किटरी जो बाहर वाली है वो यूज करते हैं, वो सर्किटरी लगा देते हैं। इधर से एक रेजिस्टेंस, ये सर्किटरी वैसी की वैसी है, कोई खास फर्क है नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी ट्यूब लगा रखी है, पाइप, जिससे क्या है, मान लो बाई चांस इसमें गैस कम हो जाए, कुछ मीडियम गैस भरेंगे तो ये गैस भरने के लिए, टू फिल गैस। ये क्या है, विंडो है, ये विंडो छोड़ रखी है। ये स्टील के या मेटल के कुछ दीवारें हैं तो इनमें से तो आ नहीं पाएगी रेडिएशंस, तो ये रेडिएशंस के आने के लिए एक पतली सी विंडो छोड़ रखी है, विंडो टू एंटर द इनकमिंग रेडिएशंस। इधर से विकिरण अंदर घुस जाएंगे इसके, ठीक है। और ये सर्किटरी है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कैपेसिटर, और इधर से इसको ग्राउंड कर रखा है, ठीक है। ये सर्किटरी है मोटी मोटी, वही सेम टू सेम लगभग, कोई फर्क नहीं। यहाँ पे मीडियम भर रखा है, तो सबसे पहले ये याद रखना है क्या भर रखा है। उसमें तो क्या था, आर्गन सीओ टू थी, यहाँ क्या भर रखा है, आर्गन और मीथेन। क्या भर रखा है, 90% ऑर्गन याद रखना है, प्लस मीथेन कितनी, अराउंड 10%, ठीक है। आर्गन और मीथेन का मिश्रण, कैसी ट्यूब में, सिलेंड्रिकल ट्यूब में, कैसी ट्यूब में, सिलेंड्रिकल ट्यूब में, सिलेंडर है पूरा का पूरा ये मान लो, और सिलेंडर के ऊपर जहाँ से अपन वो ऊपर से ये लगाते हैं पाइप वाला, गैस की पाइप वाला, वहाँ से हमने वायर अंदर डाल रखा है। तो ये मान लीजिए कि वायर के चारों तरफ क्या है, कैथोड है, ये एनोड है और इसके चारों तरफ कैथोड है। ऐसा क्यों बना रखा है, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा, ठीक है। ये एनोड का कार्य कर रहा है, थिन वायर वर्किंग एज एनोड, किसकी तरह कार्य कर रहा है, एनोड की तरह। और ये मेटल का जो सिलेंड्रिकल शेप है, ये किसकी तरह कार्य कर रहा है, वर्किंग एज कैथोड, किसकी तरह कार्य कर रहा है, कैथोड की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है। अब इस पे वोल्टेज अप्लाई करो, ग्राउंड लगा हुआ है इधर से कुछ हाई वोल्टेज अप्लाई करो। किस वोल्टेज के बीच में कार्य करेगा, ये प्रोपोर्शनल रीजन में कार्य करेगा, और प्रोपोर्शनल रीजन की वोल्टेज यहाँ पे दे रखी है कि इसको कहाँ पे ऑपरेट करवाते हैं, कितना, 200 वोल्ट से हाई, कितना, 200 से 800 वोल्ट, 200 टू
800 वोल्टेज के बीच में इसको ऑपरेट कराते हैं, तभी क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल रीजन में कार्य करेगा। प्रोपोर्शनल रीजन की विशेषता क्या थी, वहां क्या होना चाहिए, आयंस का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, सेकेंडरी आयंस डिवाइडेड बाई प्राइमरी आयंस, ये क्या था, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर था, तो कुछ न कुछ मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होना चाहिए। और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना फिक्स रखते हैं वो अभी ये बताएगा आगे कितना रखते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है प्राइमरी आयंस से, प्राइमरी आयंस तेज गति से एनोड पे पहुँचते हैं, तो क्या होता है, एनोड की चारों तरफ एवलांस होता है और एवलांस से सेकेंडरी आयंस जनरेट हो रहे हैं, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। और मल्टीप्लीकेशन कैसा रहना चाहिए, कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन समय के सापेक्ष इंक्रीज नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन जो भी है इस वोल्टेज की पूरी रेंज में कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू तुम कुछ भी ले लो, जैसे मल्टीप्लीकेशन 100 गुना ले लो, एक प्राइमरी आयन से 100 सेकेंडरी आयन जनरेट हो रहे हैं, 1000 गुना ले लो, एक प्राइमरी आयन से 1000 सेकेंडरी आयन जनरेट हो रहे हैं, लेकिन जो भी लो वो कैसी रहनी चाहिए, लगभग लगभग कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है। क्यों बोलते हैं इसको प्रोपोर्शनल काउंटर, हमने पहले भी पढ़ा है, क्यों बोलते हैं प्रोपोर्शनल काउंटर, जितने नंबर ऑफ प्राइमरी आयंस ज्यादा जनरेट होंगे उतने ही सेकेंडरी आयंस ज्यादा जनरेट होंगे, और प्राइमरी आयंस किस पे डिपेंडेंट है, इनकमिंग रेडिएशंस की एनर्जी पे, तो इनकमिंग रेडिएशंस जितनी ज्यादा एनर्जी के आएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होगा, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीप्लीकेशन सॉरी प्रोपोर्शनल रीजन, क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल रीजन। वर्किंग, वर्किंग देख लेते हैं, ये तो है इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग, यहाँ पे ये गैस भरी हुई है इसमें पूरे चैम्बर में, कौन सी वाली, ये क्या है, ऑर्गन प्लस मीथेन, और रेशियो भी याद रखना है, रेशियो याद रखना है, पूछ लेते हैं इनका तो कोई भरोसा ही नहीं है, आरपीएससी का तो कुछ भी पूछ सकती है, रेशियो तो स्पेशली कोई भी पूछता है तो ये तो पूछ ही लेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई एक आयनकारी कण आ रहा है इधर से, एक रेडिएशन आ रही है इधर से, इसके अंदर एंटर करी, ठीक है, सपोज करिए कोई बीटा पार्टिकल आ रहा है, ये बीटा पार्टिकल आ रहा है, कुछ एनर्जी का है, और इस कोस्ट में से, इस चैम्बर में से होकर, सिलेंड्रिकल चैम्बर है, इसमें से होकर गुजरता है, गुजर रहा है, क्या करेगा, गैस का आयनन करेगा, प्राइमरी आयंस जनरेट होंगे, और वो प्राइमरी आयंस जैसे कुछ पॉजिटिव कुछ इलेक्ट्रॉन्स, गैस जो भी है, गैस है आर्गन, तो आर्गन क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर और पॉजिटिव आयंस में चेंज होगी, तो ये पॉजिटिव आयंस तो बहुत भारी है, ये तो चल फिर पाएंगे नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स तेज गति से किधर मोशन करेंगे, एनोड की तरफ, तो सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जनरेट हुआ, यहाँ जनरेट हुआ, यहाँ हुआ, तो एनोड से जितना दूर जाएंगे हम उतना ही एवलांस कम होगा, एनोड के आसपास, अब सभी इलेक्ट्रॉन्स भाग भाग के किधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो एनोड के एकदम पास आ जाएंगे ना, जब एनोड की वायर के पास, उस समय एवलांस पूरा ऐसे लगेगा जैसे पूरे एनोड पर फैल गया है, एनोड के आसपास कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहाँ पे एवलांस नहीं है, दूर से ऐसे धुआं सा नजर आता है, एनोड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे लगते हैं, जैसे ऐसे धुआं सा फैल गया है, पूरा एवलांस फैल गया है, इसीलिए हमने इसको सिलेंड्रिकल लिया था, किसको, ट्यूब को, क्यों, ये ऐसे सिलेंड्रिकल है, इसके बीच में ऐसा वायर है, तो इलेक्ट्रॉनों को मैक्सिमम जगह मिल सके, इधर से भी यहाँ आ 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 सके, 360 डिग्री एंगल से चारों तरफ से वो एवलांस में पार्टिसिपेट कर सके, इसके लिए हमने इसको ऐसे लिया था, नहीं तो ऐसा भी तो ले सकते थे जैसे नॉर्मल इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, कैसे लेते हैं, 11th 12th में हम लेते थे, कैथोड इधर एनोड इधर, तो यहाँ से भागेंगे तो सिर्फ ये एनोड के इस सिरे की तरफ या इस सरफेस की तरफ ही क्या कर सकते हैं, एवलांस कर सकते हैं, जबकि हम क्या चाहते हैं कि एवलांस मैक्सिमम हो, और एवलांस मैक्सिमम होने के लिए हमने क्या कर दिया, इसके चारों तरफ कैथोड यूँ फैला दिया और बीच में ये वायर की तरह यूँ लगा रखा है, ताकि एनोड के चारों तरफ 360 डिग्री में एवलांस हो सके, और जितना ज़्यादा एवलांस होगा आउटपुट सिग्नल क्या मिलेगा, उतना ही ज़्यादा मिलेगा, तो हमें क्या है, अच्छा सिग्नल मिलेगा, उसको हम एनालाइज अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे से उसके साथ काम कर सकते हैं। तो इसको एक 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 करके लिखते हैं, वेन ए
आयोनाइजिंग पार्टिकल, एंटर्स इन द ट्यूब, आयंस आर जनरेटेड ड्यू टू द प्राइमरी आयोनाइजेशन। प्राइमरी आयोनाइजेशन की वजह से क्या होंगे, आयंस जनरेट होंगे। दीज प्राइमरी आयंस, दीज प्राइमरी आयंस हैव पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर लाइट वेट, सो विद अप्लाइड वोल्टेज दीज इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवार्ड्स एनोड एट द सेंटर ऑफ द ट्यूब। इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड्स विद अदर गैस मॉलिक्यूल्स एंड जनरेट सेकेंडरी आयंस। दिस इज नोन एज द एवलांच। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवलांच। इट इज मोर सिग्निफिकेंट नियर एनोड। एनोड के आसपास ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगी, इसीलिए हमने क्या रखा है, एनोड को चारों तरफ रखा है, एनोड के चारों तरफ कैथोड रखा है ताकि पूरा 360 डिग्री का एंगल है वो एवलांस के लिए अवेलेबल रहे। अदरवाइज अपन 11 ट्वेल्थ में कैथोड लगाते थे, इलेक्ट्रोड लगाते थे, वैसे भी लगा सकते हैं हम, ऐसे लगा लिया और ऐसे लगा लिया तो इलेक्ट्रॉन्स तो उसमें भी मूव करके आएंगे, लेकिन फिर इधर वाला आधा हिस्सा वो तो एज इट इज़ यूं ही बेकार चला जाएगा, कोई काम नहीं आ रहा उसमें, एवलांस नहीं हो सकता। तो इसीलिए जानबूझ करके ये सिलेंड्रिकल शेप का लिया गया है यहाँ पर और उसके बीच में एनोड का वायर लटकाया गया है, ठीक है ना। ये एवलांस किस किस चीज पे डिपेंड करता है, ये एवलांस एक तो इस चीज पे डिपेंड करता है कि एनोड की त्रिज्या कितनी है, कैथोड की त्रिज्या कितनी है, गैस की, गैस कौन सी ली है, किसी गैस का आयोनाइजेशन ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो गैस की नेचर कैसी है, ठीक है, इन सब चीज़ों पे एवलांस डिपेंड करता है। तो यहाँ पे नोट डाल के लिखते हैं, नोट याद रखना है आप लोगों को, एवलांस किस किस पे डिपेंड करता है, दिस एवलांस depends upon radius of cathode, anode, nature of gas and और किस चीज़ पर depend करेगा इन तीनों के अलावा, इसकी radius ले ली, इसकी radius ले ली, या मतलब दोनों के diameter ले ली, बात एक ही है, gas की nature ले ली, और किस पर depend करेगा, और किस पे डिपेंड कर सकता है, रेडियस ऑफ पार्टिकल,
हाँ वो, उसके अलावा आयोनाइजेशन, वो तो गैस में ही आ गई, गैस की आयोनाइजेशन कैपेसिटी कितनी है वो इस बात में डिपेंडेंट हो गई कि नेचर कैसी है गैस की, गैस की नेचर में शामिल हो गई। अप्लाइड वोल्टेज पर एंड अप्लाइड वोल्टेज, वोल्टेज किस वोल्टेज पे आप इस मशीन को ऑपरेट करा रहे हो इस बात पे भी ये डिपेंडेंट है। रेंज कितनी लिखी हुई है, 200 से 800, तो ऐसा तो है नहीं कि 200 से 800 हम वेरी करते रहेंगे बात बीच बार बार में। इस 200 से 800 की रेंज में किसी एक फिक्स पॉइंट पर हम क्या कराएंगे, इसको ऑपरेट कराएंगे, और वो पॉइंट हम फिक्स रखने की कोशिश करते हैं। जब ये काम करता है तो वो आगे पीछे होता है, तो हम बार बार में उसको मैन्युअली क्या करते हैं, उस पॉइंट पे रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन सब बातों पे एवलांस डिपेंड करता है। अब जो बात मैंने फिर कही वो फिर से यहाँ पे लिखी हुई है कि वी प्रीफर द सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री फॉर एवलांस। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एवलांस के लिए मैक्सिमम स्पेस अवेलेबल हो सके, क्या हो सके, एवलांस के लिए मैक्सिमम स्पेस अवेलेबल हो सके। तो लिख लेते हैं इसको एक लाइन को, हियर वी प्रिफर सिलिंड्रिकल ज्योमेट्री, सिलिंड्रिकल ज्योमेट्री ऑफ द काउंटर सो दैट द मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन कुड बी पॉसिबल, मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन हो सके, मैक्सिमम एवलांस हो सके। ठीक है, अब इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दो अलग अलग चार्जेज हैं, इस पर प्लस चार्जेज हैं, इस पर माइनस चार्जेज हैं। ऊपर से ज्योमेट्री इनकी ऐसी ले लेते हैं, मान लेते हैं ऊपर से इस सिलेंडर को ऐसे काटा, ऐसे कट किया, और ऊपर से देखेंगे तो पता चलेगा ना किसकी रेडियस कितनी है। तो इसकी मान लेते हैं बाहर वाले की बी, और अंदर वाला वायर सपोज करिए ऐसा दिख रहा है, और उसकी मान लेते हैं ए, रेडियस है, डायमीटर नहीं है, रेडियस है। ठीक है, बाहर वाले का बी, अंदर वाले का ए मान लेते हैं, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में वी वोल्टेज लगाने से। बाहर से हम वी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों के बीच कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सिलेंडर के अंदर कितना होता है उतना ही होगा। कितना होगा, E इज इक्वल टू, तो लिखो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स बाई द अप्लाइड वोल्टेज, बाई द अप्लाइड वोल्टेज वी। कितना आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कितना आता है, क्या होता है, E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, यही होता है। तो फॉर्मूला आता है वी अपॉन आर एल एन बी अपॉन ए। बी क्या है, वेयर बी इज द रेडियस ऑफ द कैथोड, क्या है, रेडियस ऑफ कैथोड, और ए क्या है, रेडियस ऑफ एनोड। ठीक है, ए और बी क्या है, कैथोड और एनोड की रेडियस है, यूनिट मैच कर रही है। हम ई को ऐसे ही लिखते हैं माइनस डी वी अपॉन डी आर। ठीक है, तो ई की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगी, जब b बराबर a हो जाए या a बराबर b हो जाए, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ln 1 और ln 0, तो e कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो या तो इस
इलेक्ट्रोड के ऊपर या फिर इस इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब छोटा सा इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है कि कितने से कितना होता है, तो मान लेते हैं लेट अस सपोज ए दे रखा है कि ए हम मान लेते हैं 1 mm, कितना 1 mm ए मान लीजिए 1 mm, बी मान लेते हैं 1 cm, 1 cm, तो जितना अंतर हमने बढ़ा रखा है उतना अंतर हो गया ना, mm तो 10^-3 meter, और ये 10^-2 meter, तो विजिबल है, 10 का फर्क है वो हमें दिख रहा है। ओके, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं कितना, 1000 वोल्ट, इतना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस काउंटर में जनरेट होगा कितना होगा, V कितना दे रखा है 1000 डिवाइडेड बाई R ln B upon A, B कितनी दे रखी है 1 cm, तो सेंटीमीटर में ही रख लेते हैं और इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो तो क्या आएगा 0.1, ठीक है। और R क्या है, वो जगह जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और ये R कहाँ से लोगे, सेंटर से, R कहाँ से लोगे, सेंटर से, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो अलग आ रहेगा, यहाँ पे चाहिए तो अलग, यहाँ पे चाहिए तो अलग, R कहाँ से लेनी है आपको, सेंटर से लेनी है। और इसने R की वैल्यू ले ली है कि R की वैल्यू मैं अगर 10^-3 ले लेता हूँ, R इज इक्वल टू 10^-3 किस में ली है, मीटर में, राइट, मीटर में, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लो, करो, तो ये तो क्या हो गया ln 10 को लॉग में चेंज कर लो तो 2.303 लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये तो आ गया 2.303 नीचे इंटू 10^-3 ऊपर 10^3, तो कितना आ रहा है, लगभग ये आ रहा है 2.303 का भाग देना है अब आपको 1 में, तो आप लोग करके देखो ये करीब आ रहा है 0.43 × 10^-6, देखो आ रहा है क्या, ऊपर क्या है वोल्ट, नीचे क्या है मीटर, वोल्ट पर मीटर टेन टू द पावर सिक्स तो आ ही गया, 2.303 का 1 में भाग दे लो कितना आ रहा है, सॉरी हाँ प्लस में 6, राइट आ रहा है, ठीक है। ये है अपना क्या, प्रोपोर्शनल काउंटर, प्रोपोर्शनल काउंटर, इसके उपयोग क्या क्या है प्रोपोर्शनल काउंटर के उपयोग क्या है, एप्लीकेशन, इसको जनरली किस किस के लिए यूज किया जाता है, एप्लीकेशन नंबर 1, किसके लिए यूज किया जाता है, बीटा गामा और एक्स रेज के लिए, किसके लिए, बीटा गामा और एक्स रेज के डिटेक्शन के लिए, याद रखना है ये सब का अलग अलग, ठीक है। किसके लिए यूज किया जा सकता है, वैसे तो बहुत सारी जगह यूज करते हैं लेकिन जनरली किसके लिए यूज करते हैं, बीटा गामा और एक्स रेज के लिए। अब इसकी एक लिमिटेशन है, क्या है, क्या लिमिटेशन है सोचो इसमें क्या लिमिटेशन है, अप्लाइड वोल्टेज, हाँ अप्लाइड वोल्टेज पे क्या डिपेंडेंट है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर किस पे डिपेंडेंट है, अप्लाइड वोल्टेज पे, एक तरफ तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर किस पे डिपेंडेंट था, इनकमिंग रेडिएशंस की एनर्जी पे, वो तो फिक्स है, किसी एक न्यूक्लियस से रेडिएशंस आ रही हैं वो तो फिक्स है, इधर जो चार्जेस जनरेट हो गए उनको कलेक्ट करने के लिए हम वोल्टेज लगा रहे हैं तो वोल्टेज पे भी डिपेंड है, तो अप्लाइड वोल्टेज
पर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर डिपेंडेंट है, और मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इस चैम्बर में कैसा रहना चाहिए, कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। तो अगर वोल्टेज जरा भी इधर उधर हुआ तो फिर क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर भी कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा। तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर को कॉन्स्टेंट रखने के लिए इस प्रोपोर्शनल काउंटर का अप्लाइड वोल्टेज हर टाइम कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। तो ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि वोल्टेज जनरली चेंज हो जाता है। लैब में काम करते हैं, लैब में प्रोपोर्शनल काउंटर एमएससी की लैब में, तो वो अपने आप चेंज हो जाता है, तो बार बार में उस पर नज़र रखनी पड़ती है, फिर उसको मैनुअली वापस चेंज करो। Here we need to control the applied voltage because multiplication factor depends upon the अप्लाइड वोल्टेज। किस पे डिपेंड करता है, अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड करता है, और अप्लाइड वोल्टेज वो अपने आप चेंज हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करना हमारी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसके साथ। ठीक है, न्यूमेरिकल कर लेते हैं दो, बहुत ही आसान से, बहुत ही आसान है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन अल्फा पार्टिकल ऑफ 11 MeV एनर्जी डिसिपेट्स इट्स एनर्जी इन दिस काउंटर, राइट। 11 MeV का है हमारे पास अल्फा पार्टिकल, और इसमें अपनी एनर्जी खो देता है, और एक आयन युग्म जनरेट करने के लिए फिक्स है, वी नीड 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू जनरेट वन आयन पेयर। एक आयन पेयर जनरेट करने के लिए वही फिक्स है, 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब तो याद हो गई होगी। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर दे रखा है कितना, M इज इक्वल टू 1000, कितना दे रखा है, M 1000 मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, और जो कैपेसिटर लगा है उसकी कैपेसिटेंस कितनी दे रखी है, 30 माइक्रोफेरेड, राइट, 30 माइक्रोफेरेड। फाइंड आउट द हाइट ऑफ आउटपुट वोल्टेज की हाइट बताओ। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है कैपेसिटर के लिए, क्या फॉर्मूला है, क्यू बराबर सीवी, तो वी बराबर क्यू बाई सी। कैपेसिटेंस तो डायरेक्ट ही दे रखी है, ये रही, आपको क्या निकालना है बस, कितना चार्ज आयोनाइजिंग पार्टिकल्स ने इसके अंदर जनरेट किया है। बताओ संदीप, भारती, बताओ कितना चार्ज जनरेट किया है इसके अंदर आयोनाइजिंग पार्टिकल्स ने, निकालो चार्ज निकालो। इतनी एनर्जी डिसिपेट हुई है 11 MeV, और एक आयन पेयर जनरेट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 35, तो कितने आयन पेयर जनरेट होंगे पहले तो वो निकालो, कितने आयन पेयर जनरेट होंगे, तो नंबर ऑफ आयन पेयर बताओ पहले, तो मेरे को एन बताओ नंबर ऑफ आयन पेयर। कितने आयन पेयर जनरेट होंगे, जितने आयन पेयर जनरेट होंगे वो क्या होंगे प्राइमरी आयन पेयर्स। अब वो प्राइमरी आयन पेयर्स क्या जनरेट करेंगे, सेकेंडरी आयन पेयर्स। एक प्राइमरी आयन पेयर कितने सेकेंडरी आयन पेयर जनरेट करेगा, 1000, तो कितने सेकेंडरी आयन पेयर्स हो जाएंगे, इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब इतने आयन पेयर्स हो गए। एक आयन पेयर का चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻¹⁹, तो टोटल चार्ज कितना हो गया वो निकालो, सभी लोग कैलकुलेट करो।
चार्ज की वैल्यू बता दो, चार्ज की वैल्यू बता दो। एक्चुअली ये कैपेसिटेंस माइक्रो माइक्रो फैराड, दो बार माइक्रो लिखा हुआ है, एक बार ही लिख देता माइक्रो माइक्रो, मतलब 10^-6, फिर 10^-6, दो बार माइक्रो लिख रखा है, तभी मैं सोचो 10^-12 क्यों है। कितना आएगा चार्ज बताओ, सबसे पहले निकाले वो बताओ। आराम से 2 सेकंड लेके निकालो, एग्जाम में भी निकालना है आप लोगों को, चार्ज कितना आएगा। भारती बताओ कितना चार्ज आएगा, टाइप करो चैट बॉक्स में, टाइप करो कितना चार्ज आएगा। कितना है कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, फोन यूज करो। भारती ने बता दिया भाई, तुम लोग लेट चल रहे हो, बिल्कुल सही। 5×10^-6, माइनस 6 तो नहीं आ रहा भारती, -11 चार्ज आ रहा है। क्यू इज इक्वल टू, संदीप का सही है, 5×10^-11 गुलाम, ठीक है सही है ओके। अब चार्ज आ गया है तो वोल्टेज निकाल लो, कैपेसिटेंस तो सीधी दे रखी है आपको, कितनी है 30×10^-12 माइक्रो माइक्रो, दो बार लिखा हुआ है। कितनी वोल्ट आएगी, गुलाम को भाग दे लो, कोई भी सवाल आए अपने को फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू कैसे भी चेंज करें। कितना आएगा वोल्टेज, 1.68 वोल्ट, ठीक है राइट। सेम ऐसा ही क्वेश्चन दूसरा है, इस बार फास्ट करना, जल्दी करो, स्पीड से कैलकुलेशन करना, स्पीड बढ़ाओ। क्या दे रखा है, इन एन आयोनाइजेशन चेंबर, इन एन आयोनाइजेशन चेंबर लिखा है इसने, आप ये इस मान के चलिए कि प्रोपोर्शनल काउंटर का ही, क्योंकि आगे मल्टीप्लीकेशन फैक्टर दे रखा है, पहले आयोनाइजेशन चेंबर लिख के फिर इन एन आयोनाइजेशन चेंबर। आयोनाइजेशन चेंबर आप किसी को भी बोल सकते हो, प्रोपोर्शनल काउंटर के अंदर भी आयोनाइजेशन हो रहा है तो चेंबर बोल देते हैं। इन आयोनाइजेशन चेंबर प्रोटोन ऑफ 3.5 MeV एंटर्स, ठीक है 3.5 MeV का प्रोटॉन एंटर करता है। आगे वैल्यूज क्या दे रखी हैं, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर वही सेम 1000, ओके। टाइम कांस्टेंट दे रखा है,
टाइम कांस्टेंट कितना दे रखा है? 10 माइक्रोसेकंड। प्रतिरोध रेजिस्टेंस भी दे रखा है, आर 1 मेगा ओम। और एक आयन युग्म प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी वही चाहिए, कितनी पर आयन पेयर एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी है? 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब दे रखा है। पूछा क्या है? नंबर ऑफ आयन पेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि इस चेंबर में फर्स्ट कैलकुलेट नंबर ऑफ आयन पेयर्स जनरेटेड इन द चेंबर। चेंबर में कितने आयन पेयर्स जनरेट होंगे बताओ? पहले ये बताओ आयन पेयर्स का नंबर बताओ। टोटल आयन पेयर्स बताना। कितना? बिल्कुल सही सॉल्यूशन। कितने आयन पेयर्स जनरेट होंगे? टोटल आयन पेयर्स कितने होंगे? 10 to the power 8। ठीक है, उन्होंने भी दे दिए शायद आंसर 10 to the power 8। 10 की पावर 8 आयन पेयर्स जनरेट होंगे। अब आपको निकालना है सेकंड, कैलकुलेट हाइट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। कैलकुलेट हाइट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज कितना होगी? आउटपुट वोल्टेज की हाइट, तो सबसे पहले आउटपुट वोल्टेज निकालना है, तो पहले तो आयन पेयर से चार्ज निकालो और टाइम कांस्टेंट दे रखा है, तो चार्ज डिवाइडेड बाय टी क्या मिल जाएगी? आई। और वी चाहिए तो वी इज इक्वल टू आई आर, आर भी दे रखा है। निकालो चार्ज कितना आएगा, इतने आयन पेयर्स हैं तो चार्ज कितना हो जाए? एक आयन पेयर का चार्ज आपको पता है, इतने आयन पेयर्स का चार्ज डायरेक्ट गुणा कर लो, कितना आ गया? 1.6 × 10⁻¹ⁱ कूलाम। इतना तो हो गया चार्ज। करंट कितनी हो गई? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू ये रहा टी ये रहा। 1.6 × 10⁻¹ⁱ डिवाइडेड बाई 10 माइक्रोसेकंड है, 10⁻⁶ इतनी एम्पियर हो गई। ये तो डायरेक्ट ही कट रहा है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 1.6 × 10⁻⁶ एम्पियर। वोल्टेज कितना आ गया? आई आर, आई दे रखी आर दे रखा, कितना आएगा? 1.6 वोल्ट। हाँ ठीक है, क्योंकि वो मेगा में था तो वोल्टेज कितनी आ गई? V इज इक्वल टू 1.6 वोल्ट, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है GM काउंटर। इस रीजन को क्या बोलते हैं? G रीजन।
गाइगर रीजन या गाइगर मुलर रीजन कुछ भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं लोग बाग, जनरली गाइगर रीजन भी बोलते हैं। जीएम काउंटर, गाइगर और मुलर दो किसके नाम है वैज्ञानिकों के, क्या स्पेलिंग है? GEIGER MULLAR काउंटर, GM काउंटर हिंदी में भी हम ऐसे ही लिखते हैं, गाइगर मुलर गणित्र, ठीक है। वैसी ही है सेम टू सेम कंस्ट्रक्शन, अब की बार सिलेंडर को ऐसे रख दिया, पिछली बार सिलेंडर को खड़ा कर रखा था, अब की बार सिलेंडर को ऐसा रख दिया, तो कोई चेंज नहीं है, बना लेते हैं कंस्ट्रक्शन, वही सिलेंडर है, वही वायर है, सेम टू सेम है, हॉरिजॉन्टल कर दिया इस बार बेचारे को, वही इंसुलेशन सब कुछ वही है, वही कैथोड, ये कैथोड की तरह कार्य कर रहा है। ये कैथोड की तरह कार्य कर रहा है, सब कुछ सेम है, कोई फर्क नहीं है, देख लो ये दोनों कैथोड है, ये एनोड है, ये इंसुलेशन है दोनों वायर्स के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे आपको याद रखना है कैथोड के लिए ये जो मेटल काम में लिया गया है ये क्या है, कॉपर, ठीक है, कॉपर की ट्यूब है। और बीच में एनोड के लिए जो काम में लिया गया है वो टंगस्टन, क्या है, टंगस्टन, ठीक है। ये याद रखना है, सिर्फ कर काम ही नहीं चला लेना है, याद भी रखना है, ठीक है। हाँ वापस वही आउटर सर्किटरी, इलेक्ट्रिकल सर्किट तो वैसा ही, इधर से आके एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इधर से आके ये वोल्टेज दे रखा है, इधर से हमने ये जुड़ के ग्राउंडेड ग्राउंडेड जो भी कर रखा है, ठीक है, ओके। तो ये सर्किटरी है, वी वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं, मान लेते हैं आर ओम का रेजिस्टेंट रेजिस्टेंस ये है। इस बार क्या याद रखना है, ये कैथोड किसकी है, कॉपर की, एनोड किसकी है, टंगस्टन की, और बाकी ये जो ये सिलेंडर जैसा शेप ले रखी है ये है ग्लास का, ठीक है, ये किसका है, ग्लास का। स्पेशली डिटेक्टर्स को न्यूक्लियर फिजिक्स में ऐसे मोटे मोटे करके लिखे हैं, तो इनके कंस्ट्रक्शन आपको याद रखनी है, उसका कोई भरोसा नहीं है। अब वो कॉलेज वाली, कॉलेज लेक्चरर वाली बात नहीं है कि भाई थ्योरी थ्योरी पढ़ ली, कंसेप्ट कंसेप्ट देख ली, कंस्ट्रक्शन कोई पूछता नहीं है, अब तो पूछेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, टू कोएक्सियल, कोएक्सियल मतलब दोनों की एक्सिस क्या है, एक ही जगह पे है, क्या है, एक्सिस एक ही जगह पे है, टू कोएक्सियल इलेक्ट्रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड, क्या करके, कैथोड किससे, कैथोड किससे कंस्ट्रक्शन किया है, कॉपर से, एनोड टंगस्टन से, टंगस्टन को क्या बोलते हैं, टंगस्टन का सिंबल क्या है, W, बड़ा सा W आता है ना, क्या बोलते हैं, ये टंगस्टन ही है पक्का, ठीक है ना, ओके। ठीक है, वोल्टेज किस वोल्टेज रेंज में काम करवाओगे, वोल्टेज रेंज काउंटर, प्रोपोर्शनल काउंटर की कहाँ से थी, कहाँ तक थी, 200 से 800, इसको कहाँ से कराओगे, 800 से तो ऊपर ही कराओगे डेफिनेटली, कहाँ से कहाँ तक, 800 से 2000 वोल्ट, कहाँ तक, 800 से 2000 वोल्ट, ठीक है।
800 से 2012। और क्या भरा रहता है मटेरियल अंदर? कौन सी गैस? आर्गन, वर्किंग गैस। 90% वर्किंग गैस क्या है? 90% ऑर्गन प्लस 10% क्या है? अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल किसको बोलते हैं? OH ग्रुप वाले, CH4OH, CH3OH, C2H5OH, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, ऐसे बोलते थे ना। कुछ मनीष को अल्कोहल सुन के बहुत खुशी हो रही है। अल्कोहल पीते भी हैं लोग बाग। हाँ, इसको याद आया अल्कोहल, वो वाला अल्कोहल। बहुत खुश हुआ अल्कोहल का नाम सुन के। अब ये उतनी सी अल्कोहल से तुम्हारा कुछ नहीं होना जाना है। उसमें भी आर्गन मिली हुई है। इस अल्कोहल का क्या करोगे? कौन सी अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना, इथाइल अल्कोहल। कैसे लिखते हैं? C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। विंडो उसमें लगाई थी, इसमें विंडो किसकी लगी होती है? इसमें भी छोटी सी विंडो छोड़ते हैं साइड में, किसकी छोड़ते हैं? इसको ये लोग बोलते हैं, ऐसे थोड़ा सा विंडो छोड़ दिया, क्या बोलते हैं? सेल फोन, ठीक है। आप तो ये मानो कि ये विंडो है जिधर से इनकमिंग रेडिएशन अंदर आ सके, ठीक है, छोटी सी विंडो छोड़ दी, सेल फोन। यहाँ से रेडिएशंस अंदर आएंगी, गैस का आयोनाइजेशन करेंगे, अप्लाइड वोल्टेज हम बाहर से कंट्रोल कर रहे हैं, ये रहा हमारे हैंड में है, और आउटपुट मिलेगा, ठीक है। हो गई वर्किंग कंप्लीट। यहाँ से अगर वोल्टेज कम मिलती है तो फिर क्या करते हैं? इसका एम्पलीफिकेशन कर लेते हैं। बाई चांस मान लो कम मिल रही है तो फिर क्या कर लो? एम्पलीफायर लगा के एम्पलीफिकेशन कर लो, तो आउटपुट वोल्टेज अच्छी खासी हाइट की मिल जाएगी जिसको हम अच्छे से देख सकते हैं। तो ये तो है वर्क कंस्ट्रक्शन। ये क्या था? कंस्ट्रक्शन, वर्किंग। कैसे वर्क करेगा? वर्किंग वही है, इधर से इनकमिंग रेडिएशन अंदर आई, इनकमिंग रेडिएशंस क्या जनरेट करेंगी? आयनाइजिंग गैस का आयनाइजेशन करेंगी, प्राइमरी आयंस। प्राइमरी आयंस क्या जनरेट करेंगे? प्राइमरी आयंस तेज गति से किधर भागेंगे? एनोड की तरफ। तो एनोड की तरफ भागते हुए, तेज गति से भागते हुए प्राइमरी आयंस क्या जनरेट करेंगे? सेकेंडरी आयंस। और इस बार अप्लाइड वोल्टेज इतना ज़्यादा है कि ये सेकेंडरी आयंस भी इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि ये भी दौड़ भाग शुरू कर देते हैं। इन्होंने भी दौड़ भाग शुरू की, तो ये और टर्सरी आयंस, फिर आगे से आगे आयंस का ये सिलसिला चलता ही जा रहा है, और इतने ज़्यादा आयंस हो गए हैं कि अब प्राइमरी आयंस का जो नंबर था वो तो क्या हो गया है? गौण हो गया, इनसिग्निफिकेंट हो गया, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इतना ज़्यादा हो गया है कि हमें पता ही नहीं कि प्राइमरी आयंस कितने थे, और प्राइमरी आयंस के नंबर से ही तो पता चलता है कि इनकमिंग रेडिएशन की एनर्जी कितनी थी, प्राइमरी आयंस का ही नहीं पता यहाँ। तो इतने ज़्यादा सेकेंडरी वोल्टेज हमने इतना हाई कर रखा है कि इतने ज़्यादा सेकेंडरी आयंस है, हमें पता ही नहीं प्राइमरी कितने थे, प्राइमरी तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो आउटपुट वोल्टेज की जो हाइट है उसकी प्राइमरी आयंस के नंबर पे डिपेंडेंसी क्या हो गई? ख़त्म हो गई इसका, और प्राइमरी नंबर्स पे, प्राइमरी आयंस के नंबर पे डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई। तो अब हम इनकमिंग रेडिएशन की एनर्जी नहीं बता सकते, जो पार्टिकल्स अंदर एंटर कर रहे हैं उनकी खुद की एनर्जी कितनी थी, उतने ही तो उन्होंने प्राइमरी आयंस जनरेट करे थे, अब एनर्जी कैसे बताएं? तो एनर्जी नहीं बता सकते आप। आउटपुट हाइट बहुत बढ़ गई, तो वर्किंग लिख लेते हैं थोड़ी छोटी दो चार शब्दों में। व्हेन आयोनाइजेशन पार्टिकल, व्हेन
आयोनाइजेशन पार्टिकल एंटर्स द ट्यूब प्राइमरी आयंस आर जनरेटेड. दीज प्राइमरी आयंस स्टार्ट ट्रेवलिंग टुवार्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड्स एंड क्रिएट्स एवलांस एट एनोड. थ्रू सेकेंडरी आयंस बिकॉज अप्लाइड वोल्टेज इज हाई सो दीज सेकेंडरी आयंस गेट्स एक्सिलरेटेड एंड जनरेट्स टर्सरी आयंस फर्दर. और ये सिलसिला चलता ही रहता है. ठीक है, टर्सरी आयंस होंगे और फिर भी, और अब वोल्टेज इतनी सफिशियंट है कि इलेक्ट्रॉन तो भाग दौड़ कर ही रहा है. वो तो हल्का था, वो तो भाग दौड़ कर ही रहा है. साथ में अब पॉजिटिव आयन है क्योंकि वोल्टेज बहुत बढ़ा दिया ना, तो पॉजिटिव आयन भारी है लेकिन इतना भी भारी नहीं कि इनफाइनाइट मास है. मास तो डेफिनेट है ना. अब उसको भी तुमने बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दी तो अब की बार उसने भी भागना शुरू कर दिया. अब वो भी दौड़ेगा, कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से एनोड की तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा. और जब इतना भारी पार्टिकल, इतना भारी पार्टिकल गैस में से गुजर के कैथोड की तरफ जाएगा तो कोलिजन भारी करेगा. और इतनी ज़्यादा कोलिजन होगी, जैसे मान लो कि चींटियों का वो है, पूरा जाल है नीचे ग्राउंड में, हम जाते हैं और चींटियों का बिल आता है, फिर हम उसके ऊपर से जाएंगे तो हमने ये चींटी दबा दी, वो चींटी दबा दी, हम तो पूरा का पूरा तहस नहस ही कर देंगे. तो इतना भारी वो आयोनाइजिंग पार्टिकल इधर से गुजरेगा तो इतना ज़्यादा आयोनाइजेशन करेगा सेकेंडरी टर्सरी ये कि वो कंटिन्यूस डिस्चार्ज की तरह लगेगा. ऐसे लगेगा कि लगातार डिस्चार्ज हो रहा है. और कंटिन्यूस डिस्चार्ज जब होता है तो हमारा काउंटर कोई काम का नहीं रहता, फिर हमारे काउंटर को कुछ पता ही नहीं चलता. तो काउंटर क्या हो जाता है, इनएफिशिएंट. अब काउंटर ने काउंटिंग करनी बंद क्योंकि काउंटर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तो हमें क्या करना है कि इस पॉजिटिव आयन को चलने से रोकना है. और इस पॉजिटिव आयन को चलने से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेंचिंग एजेंट डालना पड़ेगा. इस प्रोसेस को बोलते हैं क्वेंचिंग, क्या बोलते हैं, समन क्रिया. जैसे ये चलना शुरू करे, जैसे ये एनर्जी ले, इसकी एनर्जी कोई और लेके गप कर जाए ताकि ये चलना फिरना बंद, और चलना फिरना बंद तो कोलिजन बंद, कोलिजन बंद तो सेकेंडरी टर्सरी आयंस निकलना बंद, मतलब कंटिन्यूस डिस्चार्ज बंद, तो अपना काउंटर जो है वो काम करता रहेगा. तो लिखते हैं क्वेंचिंग प्रोसेस. इससे पहले यहाँ एक नीचे एक लाइन लिख लो, इससे पहले यहाँ नोट डाल के एक लाइन लिख लो कि इस प्रोसेस में इतने ज़्यादा सेकेंडरी आयंस जनरेट हो जाते हैं कि आयनकारी कण के द्वारा जो प्राइमरी आयंस जनरेट हुए थे वो उनका तो कोई मतलब ही नहीं है. इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज की हाइट इज नाउ इंडिपेंडेंट ऑफ द एनर्जी ऑफ द आयोनाइजिंग पार्टिकल. ठीक है, here the height of output voltage does not depend upon the energy of ionizing particle. chamber में जो ionizing particle घुसा था
जिसने सबसे पहली बार आयोनाइजेशन किया था उसकी एनर्जी पे तो आउटपुट हाइट डिपेंड ही नहीं है, वो तो भूल ही गया कि उसने आयोनाइजेशन किया था और वहाँ से शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। क्या है क्वेंचिंग प्रोसेस? क्या है क्वेंचिंग प्रोसेस? समनकारी क्रिया। क्या बोलते हैं? समनकारी क्रिया। क्या बोलते हैं? समनकारी क्रिया, ठीक है। क्वेंचिंग प्रोसेस किसके लिए कर रहे हैं? पॉजिटिव आयन्स के लिए। किसके लिए कर रहे हैं? फॉर पॉजिटिव आयन्स, क्योंकि पॉजिटिव आयन्स बहुत हैवी हैं और उसमें से निकलेंगे तो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज शुरू कर देंगे। तो लिखते हैं एट दीज हायर वोल्टेजेज। हम वोल्टेज बढ़ा बढ़ा के किस रीजन में आ गए हैं? जीएम रीजन में आ गए, तो वोल्टेज बहुत हाई हो गए। एट दीज हायर वोल्टेजेज पॉजिटिव आयन्स स्टार्ट मूविंग एंड इट क्रिएट्स कंटिन्यूअस डिस्चार्ज थ्रू कोलिजन्स। खूब सारी कोलिजन होंगी और कोलिजन से क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस डिस्चार्ज हो जाएगा थ्रू कोलिजन्स। अब इससे बचने के लिए एक ही तरीका है कि इसको चलने ही मत दो। इसको चलने ही नहीं देंगे तो टक्कर करेगा ही नहीं तो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज होगा ही नहीं। तो चलने मत दो तो फिर क्या करें? इसके पास तो एनर्जी है और एनर्जी किस वजह से है? चार्जेस की वजह से। तो या तो इसका चार्ज छीन लो या एनर्जी छीन लो, कुछ करो। तो फिर क्या करते हैं? इसके अंदर वो जो क्या डाला था हमने आर्गन के साथ इथाइल एल्कोहल, उसको क्या बोलते हैं? क्वेंचिंग एजेंट। वो क्या करता है इसकी एनर्जी को, वो जैसे ये चलना शुरू करता है वो इसके साथ टकरा जाता है, क्योंकि वो भी भरा हुआ है चारों तरफ। ये दोनों टक्कर करते हैं, टक्कर में सारी एनर्जी इथाइल एल्कोहल ले लेता है। और इथाइल एल्कोहल की आदत क्या है कि फोटोन के थ्रू एनर्जी निकालने की बजाय डिसोसिएट होना पसंद करता है। इथाइल एल्कोहल को हम केमिस्ट्री में कैसे डिसोसिएट करते थे? C2H5OH रेडिकल्स बना देते थे ऐसे। क्या करते थे? C2H5 और OH ऐसे डॉट लगा देते, ये डिसोसिएट हो जाते और थोड़ी देर बाद ये वापस रिकम्बाइन हो जाते, या थोड़ी देर बहुत देरों बाद तो फिर क्वेंचिंग एजेंट चेंज भी करना पड़ता है, रिप्लेस करते रहते। तो ये ऐसा नहीं करेगा कि इसने जो एनर्जी ली उससे गामा निकाल के फिर अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। दो तरीके हैं ना एनर्जी को रिलीज करने के, या तो आप डिसोसिएट हो जाओ या फिर आप गामा निकाल दो। अगर ये गामा निकालेगा, सपोज करो मान लो इसने गामा निकालनी शुरू कर दी और इधर से भी मान लो गामा आ रही है, क्योंकि ये गामा के डिटेक्शन के लिए भी काम में लिया जाता है, इधर से भी गामा आ रही है तो डिटेक्टर को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी गामा को डिटेक्ट करूँ। डिटेक्टर को थोड़ी पता है कि भाई ये तो ये निकाल रहा है, वो तो दोनों को तो कन्फ्यूजन फैल जाएगा। तो हम ये क्वेंचिंग एजेंट ऐसा लेते हैं कि जो एनर्जी डिसिपेट करने के लिए कौन सा तरीका अपनाए? डिसोसिएशन वाला। तो ये क्वेंचिंग एजेंट की विशेषताएं होनी चाहिए। हमें चूज करते समय ध्यान रखना है, चूज करते टाइम कि कौन सा क्वेंचिंग एजेंट लेना है। तो इसके आगे लिखते हैं एट दीज हायर वोल्टेजेस पॉजिटिव आयन्स स्टार्ट मूविंग एंड इट क्रिएट कंटिन्यूअस डिस्चार्ज थ्रू कोलिजन्स। दिस प्रोसेस मेक्स काउंटर इनएफिशियंट। ये काउंटर को क्या बना देता है? अभिलेखन के काम का ही नहीं छोड़ता है, काउंटर इनएफिशियंट हो जाता है, काउंटिंग करना बंद कर देता है। नाउ फॉर द डिटेक्शन ऑफ
अब क्या करें, या तो वेट करें कि कंटिन्यूस डिस्चार्ज रुक जाए एक बार, फिर हम करें, तो कब तक वेट करें कुछ पता नहीं है। तो फिर नाउ फॉर द डिटेक्शन ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजिंग पार्टिकल्स वी नीड टू स्टॉप द पॉजिटिव आयंस। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें पॉजिटिव आयंस अपनी एनर्जी खोल देते हैं, उसको बोलते हैं क्वेंचिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्वेंचिंग। क्वेंच कर रहे हैं हम, पर काट दिए हमने किसके, पॉजिटिव आयन के, उड़ना बंद कर दिए, पर काट दो इसके। ठीक है, अब देखो इसका डेटा दे रखा है यहाँ पे, एक धनायन को जनरेट होने के बाद, वोल्टेज देने के बाद कैथोड तक पहुँचने में कितना समय लगता है, 100 माइक्रोसेकेंड। इसका मतलब 100 माइक्रोसेकेंड तक तो वो कैथोड तक पहुँचेगा, और जब तक कैथोड तक पहुँचेगा तब तक कंटिन्यूस डिस्चार्ज चालू रहेगा, तो 100 माइक्रोसेकेंड तक तो ये काउंटर वैसे ही काम का नहीं है। और पहुंचने के बाद भी ऐसा थोड़ी कि एकदम से ही कंटिन्यूस डिस्चार्ज गायब हो गया, कंटिन्यूस डिस्चार्ज को गायब होने में भी वापस रिकवरी जिसको बोलते हैं, रिकवरी में भी एक बार हम बीमार हो गए तो ऐसा तो है ही नहीं कि दूसरे दिन वापस भाग दौड़ शुरू, दो चार दिन तो रिकवरी में भी लगते, वैसे ही काउंटर को भी क्या लगेगा, कुछ टाइम रिकवरी में लगेगा। तो रिकवरी का टाइम मान लेते हैं कि ठीक है, तो इसमें बॉक्स में इसमें हियर इट इज। ठीक है, तो हम यहां पे डिफाइन करते हैं क्या, तो एक बार लिखना मत, टोपी पैरालिसिस टाइम, क्या डिफाइन करते हैं, पैरालिसिस टाइम। और पैरालिसिस टाइम एक तो इसके ये जब तक वहां तक नहीं पहुंचे वो टाइम, प्लस काउंटर का डेड टाइम। डेड टाइम मतलब इसके वहां पहुंचने के बाद काउंटर जब तक वापस रिकवर नहीं हो जाए तब तक। तो कई तरीके से लोग बाग इनको नाम लिखते हैं। अब या तो ऐसे लिख लो, काउंटर कितने समय के लिए पैरालाइज्ड रहा, जितने समय के लिए काउंटर काउंटिंग नहीं कर रहा है उस समय को हम क्या बोल सकते हैं, पैरालाइज्ड टाइम, या फिर डेड टाइम। अब ये दोनों कन्फ्यूजन फैलाते हैं। तो डेड टाइम और पैरालिसिस टाइम में क्या फर्क है भाई, डेड टाइम मतलब जब तक काउंटर मृत रहा, पैरालिसिस टाइम मतलब जब तक काउंटर पैरालाइज्ड रहा, क्या फर्क है दोनों में। वो वहां तो 100 माइक्रोसेकंड में पहुंच रहा है, ये तो हमें डेटा ही दे दिया कि भाई लगभग 100 माइक्रोसेकंड में पहुंच रहे हैं। बताओ अब देखो, इसको तो हमने बोल दिया डेड टाइम। डेड टाइम मतलब काउंटर चल तो रहा था, काउंटर चल रहा था नहीं चल रहा था, काउंटर तो हमारी तरफ से तो चल ही रहा था, काउंटिंग नहीं कर रहा था, इसलिए इसको क्या बोल दिया, डेड टाइम। ये जब यहां पहुंच गया कैथोड पर, उसके बाद काउंटर को वापस अपनी नॉर्मल स्टेज में आने के लिए जो टाइम लगा उसको क्या बोल दिया, रिकवरी टाइम। क्या बोल दिया, रिकवरी टाइम। काउंटिंग ये रिकवरी टाइम में भी नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, काउंटिंग किसमें नहीं कर रहा है, रिकवरी टाइमिंग में भी नहीं कर रहा है, लेकिन रिकवरी टाइम में डेड नहीं है वो, तो कर नहीं रहा, हम क्या करें,
अब वो रिकवरी टाइम तो हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पॉजिटिव आयंस की वजह से कंटिन्यूस डिस्चार्ज हो रहा है, वो तो रिकवरी टाइम है। जैसे कि हम कैमरे से फोटो खींचते हैं, एक फ़ोटो खींच ली, दोबारा दूसरी खींचोगे हैंड टू हैंड, तो वो थोड़ी धुंधली धुंधली आएगी, थोड़ा सा टाइम दो उसको सेट होने के लिए, तो वो क्या करेगी, साफ आएगी। तो ये वही एग्जैक्टली वैसा ही रिकवरी टाइम, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, पैरालिसिस टाइम, पक्षाघात समय। क्या बोलते हैं? पक्षाघात समय। तो ये तो कौन सा है? ये 100 माइक्रोसेकंड वाला। ये कौन सा है? ये तो वहां पहुंच गया कैथोड पर, उसके बाद भी डिटेक्टर काउंट नहीं कर रहा है थोड़ी देर के लिए, अगर हम करवाएंगे तो वो काउंटिंग सही नहीं दिखाएगा। तो हमारे हिसाब से तो उसमें काउंटिंग होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो रही है, तो उसको हमने नाम दे दिया क्या कि काउंटर क्या कर रहा है, रिकवर कर रहा है खुद को, रिकवरी टाइम। तो आगे से याद रखेंगे, ये तो क्या है, पैरालिसिस टाइम, पक्षाघात समय, ये क्या है, रिकवरी टाइम। और इसमें तो काउंटर में कंटिन्यूअस डिस्चार्ज हो गया, कंटिन्यूअस हमने तो चला रखा था लेकिन चल नहीं रहा है, डेड टाइम। तो काउंटर कितनी देर के लिए नहीं चला, पैरालिसिस टाइम के लिए, इतनी देर के लिए काउंटर नहीं चला। अब अगर हमें इस काउंटर से काउंटिंग करनी है तो दो रास्ते हैं, क्या कि पहला आयोनाइजिंग पार्टिकल आया, हमने उसको काउंट कर लिया, और अब पैरालिसिस टाइम तक कोई दूसरा पार्टिकल आने ही मत दो, कुछ तो पैरालिसिस टाइम होगा ना। जैसे ये 100 माइक्रोसेकंड है, ये 20 माइक्रोसेकंड मान लो, तो 120 माइक्रोसेकंड तक दूसरा पार्टिकल आने ही मत दो, 120 सेकंड बाद ही दूसरा पार्टिकल आने दो, तो वो उसको काउंट कर लेगा। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। अब पार्टिकल अपने हिसाब से थोड़ी आएंगे, वो तो अपने हिसाब से आएंगे, तो फिर क्या करो, इस डेड टाइम को हटाओ, और डेड टाइम को हटाने के लिए क्या करो, क्वेंचिंग करो। तो हम क्या करते हैं फिर, इसकी क्वेंचिंग करते हैं। अगर क्वेंचिंग नहीं करो तब भी काउंट कर सकते हो, कैसे, इतने समय बाद दूसरा पार्टिकल आने दो, तो तब तक वो वैसे भी पैरालाइज्ड हो के रिकवर हो के सही हो जाएगा। तो इस टाइम को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेंचिंग करते हैं। हाँ, तो तभी तो हम नहीं रोक सकते, तो फिर ये तो हमारे हाथ में नहीं है ना, तो बीच में कोई आ गई तो उसको काउंट ही नहीं करेगा फिर, तो फिर काउंटिंग एफिशिएंसी क्या हो गई, कम हो गई। तो अब ये लिख सकते हो आप, और ये क्या है, ये टाइम टू रीच एट कैथोड फॉर ए पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन को कैथोड तक पहुंचने में इतना टाइम लगता है, एक पॉजिटिव आयन कैथोड तक पहुंचने में इतना समय लगाता है, और ये लगभग कितना दे रखा है, 100 ही ये दे रखा है, रिकवरी टाइम भी कितना दे रखा है, 100 ही, तो मतलब 200 माइक्रोसेकंड तक काउंटर काउंटिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो 200 ये हो गया, 100 ये हो गया, 200 माइक्रोसेकंड तक काउंट काम नहीं करेगा। अब करवाना है तो फिर क्या करो, क्वेंचिंग। तो अब चलते हैं आगे, क्वेंचिंग की तरह क्या काम में लेते हैं, क्वेंचिंग कोई क्वेंचिंग एजेंट काम में लेते हैं, कोई जो भी मटेरियल काम में लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्वेंचिंग एजेंट। तो क्वेंचिंग करवाते हैं, और क्वेंचिंग के लिए क्या काम लेते हैं, क्वेंचिंग एजेंट। और यहाँ पे क्वेंचिंग एजेंट क्या है, C2H5OH एल्कोहल है। ठीक है, अब क्या करें, उस पॉजिटिव आयन के पास जो भी पॉजिटिव आयन था वो क्या करता है,
एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा, न्यूट्रल आयन या न्यूट्रल एटम या एलिमेंट कुछ बोलो जो भी, न्यूट्रल पार्टिकल बनाएगा। और जब ऐसा होगा तो क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। और ये एनर्जी किस में निकलती है, प्लस क्यू, किस रीजन में निकलती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस निकलती है, प्राबैंगनी विकिरण निकलती है। और ये क्या करेगा, C2H5OH की प्रवृत्ति है कि ये अल्ट्रावायलेट को क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ये इस एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करेगा, C2H5OH। और C2H5OH इस एनर्जी को तुरंत एब्जॉर्ब करके और फोटोन उत्सर्जित नहीं करेगा, क्या करेगा, डिसोसिएट हो जाएगा, C2H5 और OH, या C2H5O या H, जो भी है, रिएक्शन एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कैसे करा, वो तो कैथोड से ले, ठीक है। ये ऐसा होता है, C2H5 ऐसे जनरेट होता है, माइनस प्लस एच प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन वापस निकाल देता है, क्या बना लेता है, C2H5OH, वापस जो एक इलेक्ट्रॉन काम आया था वो वापस आ गया। लेकिन इस डिसोसिएशन में जो ये एनर्जी थी वो सारी क्या हो गई, रिलीज हो गई, ठीक है ना, ये ख़त्म हो गई। तो अब हमें क्वेंचिंग एजेंट की विशेषताएं याद रखनी है, क्वेंचिंग एजेंट कैसा होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ क्वेंचिंग एजेंट, क्वेंचिंग एजेंट की प्रॉपर्टीज याद रखना, ठीक है। दो गैसेस, दो मटेरियल भरे हुए ना यहाँ पे, एक तो ऑर्गन और एक C2H5OH, किसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होना चाहिए, C2H5OH का, पता चला आर्गन डिसोसिएट होने लग गई, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ क्वेंचिंग एजेंट शुड बी लेस देन द आर्गन गैस, या आर्गन के अलावा जो भी कुछ भरी हुई है, मेन जो वर्किंग गैस है उसकी तुलना में इसका आयोनाइजिंग पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, एनर्जी गामा फोटोन के थ्रू डिस्कार्ड करने की बजाय डिसोसिएशन के थ्रू इसकी एनर्जी डिस्कार्ड होनी चाहिए। और उससे पहले क्या होना चाहिए, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए ये किस रीजन में एनर्जी दे रहा है, अल्ट्रावायलेट रीजन में। तो इसमें जो वो क्वेंचिंग एजेंट भरा हुआ है उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि वो अल्ट्रावायलेट रीजन को एब्जॉर्ब भी करे, क्योंकि सब मटेरियल सब एनर्जी तो एब्जॉर्ब नहीं करते ना, तो वो अल्ट्रावायलेट को पहले एब्जॉर्ब करने की भी उसकी क्या होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। सेकेंड, क्वेंचिंग एजेंट should have strong efficiency to absorb ultraviolet radiations। तो तुरंत अल्ट्रावायलेट वहां से निकलेगी और ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। थर्ड, वेन एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो किस में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में, वेन इट इज इन एक्साइटेड स्टेट इट शुड डिसोसिएट, इसको क्या होना चाहिए, डिसोसिएट होना चाहिए, टूटना चाहिए, इट शुड डिसोसिएट रादर देन emitting
ए फोटोन, ना कि फोटोन के थ्रू एनर्जी निकालनी चाहिए। डिसोसिएट होने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, फोटोन नहीं एमिट करना है। पानी, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए क्वेंचिंग एजेंट की। तीन प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या हैं? इसमें जो दूसरी वाली गैस भरी हुई है उससे इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होना चाहिए, अल्ट्रावायलेट रीजन की जो रेज है उनको एब्जॉर्ब करने की प्रबल कैपेसिटी होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दूसरा, तीसरा, डिसोसिएट होने के लिए या एनर्जी डिसिपेट करने के लिए या डी एक्साइट होने के लिए कौन सा मोड अपनाए? गामा फोटोन वाला मोड नहीं अपना के डिसोसिएट होने वाला मोड अपनाए। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। और ऐसी सब प्रॉपर्टीज कौन रखता है? इथाइल अल्कोहल रखता है, तो इथाइल अल्कोहल को रखते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कर्व, कितनी वोल्टेज अप्लाई करेंगे और कितनी ये काउंटिंग करता है, उस ग्राफ को क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक कर्व। इधर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, इधर काउंटिंग चेक कर रहे हैं। ठीक है, कैसा ग्राफ होता है वो हमें पता है, हमने देख रखा है कैसा होता है, ऐसा करके लगभग ऐसा होता है। ठीक है, इस रीजन में हम काम करते हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक, आगे तो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज वाला शुरू हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हम काम करते हैं। तो इसको मान लेते हैं V1, इसको V2, V1 से लेके V2 के बीच में आप GM काउंटर को ऑपरेट करवाते हो, और जनरली हम कहाँ करवाते हैं? एकदम मिड पॉइंट पे, ताकि थोड़ा बहुत वोल्टेज इधर उधर भी जाए तो GM रीजन से बाहर नहीं जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं वी थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड आवृत्ति, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। इससे कम वोल्टेज लगाओगे तो GM काउंटर अभी GM रीजन पहुंचा ही नहीं है, मतलब आप किस में हो? लिमिटेड प्रोपोर्शनल रीजन में। कुछ प्रोपोर्शनलिटी है किस पर? आयोनाइजेशन पार्टिकल की एनर्जी पर, मतलब प्राइमरी आयंस पर, और कुछ सेकेंडरी आयंस, टर्शियरी आयंस भी बनना शुरू हो गए। बीच का रीजन छोड़ दिया था ना, थोड़ा सा प्रोपोर्शनल रीजन के बाद बीच का कुछ रीजन हमने छोड़ दिया था जिसमें प्रोपोर्शनलिटी है भी और नहीं भी, 100% प्रोपोर्शनल भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि प्रोपोर्शनल है नहीं है, तो उस रीजन को हमने छोड़ दिया। इससे नीचे काम में लोगे तो उस रीजन में पहुंच जाओगे, तो ये वी थ्रेशोल्ड है, इससे नीचे इसको नहीं चलाना है। ये से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन है वो बेस्ट है। ऑपरेट कहाँ पे कराएंगे? मिडल पॉइंट्स पे ऑपरेट कराएंगे। सपोज करिए यहाँ पे काउंटिंग आती है N1, यहाँ पे काउंटिंग आती है N2। ठीक है, इसको बोलते हैं काउंटिंग रेट, क्या बोलते हैं? काउंटिंग रेट, गणना दर, क्या बोलते हैं? गणना दर। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, वोल्टेज बिलो विच GM काउंटर विल नॉट ऑपरेट, जिससे नीचे GM काउंटर नहीं चलेगा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज सिंबल क्या लिखा है हमने? VT, वोल्टेज बिलो विच GM काउंटर विल नॉट ऑपरेट, राइट? और ये VT की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक तो हो सकती है? 800 से 1000 वोल्ट तक। अब ये वैल्यू सब तो क्या है कि एक्सपेरिमेंटल डिपेंडेंट है, रेंज है, ये मोटी मोटी चेंज होती रहती है।
और ये भी डिपेंड करता है कि गणित्र कौन सा है, गणित्र का प्रकार कैसा है, उसमें गैस कैसी भरी हुई है, कैसे आपने कैथोड्स इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, इस रीजन को हम बोलते हैं V1 से लेके V2, V1 माइनस V2, V2 माइनस, इसको क्या बोलते हैं, प्लेटो रीजन। क्या बोलते हैं? प्लेटो रीजन, पठार। प्लेटो किसको बोलते हैं? ज्योग्राफी वाले पठार को। पठार कैसा होता है? एकदम समतल, तिब्बत का पठार, तो चाइना से ऊपर, तो वो क्या है, अपने से तो ऊपर है लेकिन वो पूरा एरिया ऐसे क्या है, प्लेन है। तो ये यहाँ से तो ऊपर है लेकिन ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया लगभग क्या है, प्लेन टाइप का है, कॉन्स्टेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लेटो। ठीक है, और इस प्लेटो की कोटि लगभग आती है कितनी, 200 से 300 वोल्ट इसका ऑर्डर। मतलब अगर यहाँ पे 800 है तो यहाँ करीब 1100 या 1000, 200-300 वोल्ट की ये रेंज मिलती है जिसमें हम GM काउंटर को ऑपरेट करवा सकते। ठीक है, और नोट लाल डाल के क्या लिखना है, द हाइट ऑफ द आउटपुट पल्स डज नॉट डिपेंड अपॉन एनर्जी ऑफ द आयनाइजिंग पार्टिकल एंड अप्लाइड वोल्टेज। प्लेटो है ना, इससे ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे तब डिपेंडेंट है, लेकिन तब GM काउंटर ही नहीं रहेगा, तो नहीं तो अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, नहीं आयनाइजिंग पार्टिकल की एनर्जी पे। द हाइट ऑफ द आउटपुट पल्स डज नॉट डिपेंड अपॉन एनर्जी ऑफ द आयोनाइजिंग पार्टिकल एंड अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, ये बीच वाला पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? प्रचालन बिंदु, ऑपरेटिंग पॉइंट। इस पर GM काउंटर को चलाने की कोशिश करते हैं और क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट, प्रचालन बिंदु। आगे लिखते हैं एफिशिएंसी ऑफ ए काउंटर। एफिशिएंसी क्या होती है? तुमने कितना खाया और कितना काम किया, कितना काम किया डिवाइडेड बाय कितना। तो इसकी कैसे निकालोगे, कितने पार्टिकल्स, आयोनाइजिंग पार्टिकल्स इसके अंदर एंटर करे और उसमें से इसने कितने काउंट कर लिए। तो काउंटिंग, इसने अपने काउंट में कितने ले लिए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आयोनाइजिंग पार्टिकल्स, वो क्या हो गई इसकी काउंटिंग एफिशिएंसी। काउंटिंग एफिशिएंसी, गणन दक्षता। क्या बोलते हैं? गणितर की दक्षता बोलते हैं, या गणन दक्षता की बजाय गणितर की दक्षता बोलते हैं। इसमें दो वर्ड है वो हिंदी में एक जैसे लगते हैं, गणितर की दक्षता क्या होगी, किसे शो करते हैं, सिंबल काम में लेते हैं ईटा, दक्षता को क्या होगी, मान लो n पार्टिकल्स इसने काउंट कर लिए और टोटल एंट्रिंग पार्टिकल्स कितने थे, n, तो ये तो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंटेड बाय द काउंटर, काउंटेड, और ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंटर्ड। हो सकता है कुछ को इसने काउंट नहीं किया हो, एंटर तो ज़्यादा करे हो, एक आध छूट गए हो इससे, सपोज करो 900 घुसे, 900 एंटर किए, नहीं 1000 एंटर किए, इसने 900 काउंटिंग की, तो ईटा कितनी हो गई, 900 डिवाइडेड बाई 1000, 0.9% हो गई, 0.9 हो गई, 90% हो गई। ठीक है, दूसरा होता है एफिशिएंसी ऑफ काउंटिंग, ये थोड़ा स्पेशल है, एफिशिएंसी ऑफ काउंटिंग, एफिशिएंसी ऑफ काउंटिंग। ठीक है,
गणन दक्षता, इसको बोलते हैं हिंदी में गणन दक्षता, क्या बोलते हैं गणन दक्षता, ये इंग्लिश में याद रखो, ये नाम भी एक जैसे, ठीक है। गणन दक्षता किसको बोलते हैं, सपोज करो एक ही आयन पेयर जनरेट हुआ, जो रेडिएशन या इनकमिंग आयोनाइजेशन जो पार्टिकल, आयोनाइजिंग पार्टिकल है, उसने ट्यूब में एंटर करने के बाद सिर्फ एक ही आयन पेयर जनरेट किया, एक ही पॉजिटिव आयन और एक ही नेगेटिव आयन, अगर उसको भी ये काउंट कर लेता है तो ये क्या है, एफिशिएंट है, अगर नहीं करता है तो एफिशिएंट नहीं है। तो एक ही आयन पेयर को काउंट करने की दक्षता इसकी कितनी है, उसको क्या बोलते हैं गणन दक्षता, क्या बोलते हैं, वेन देर इज ओनली वन आयन पेयर इज जनरेटेड, वेन देर इज ओनली वन आयन पेयर इज जनरेटेड इन द ट्यूब, केवल एक आयन पेयर जनरेट हुआ है और इसको काउंट करने की, देन इन दिस सिचुएशन, देन इन दिस सिचुएशन द काउंटिंग एफिशिएंसी ऑफ द काउंटर इज नोन एज एफिशिएंसी ऑफ काउंटिंग, एफिशिएंसी ऑफ काउंटिंग। और इसका फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, क्या है, क्या है, वन माइनस एन की पावर एस एल पी, ऐसे कुछ आता है, क्या आता है, मैंने मेरा वाला ही मिटा दिया क्या, मैंने लिखा था वही मिटा दिया, कोई बात नहीं, लिख लिया ना, ठीक है। काउंटिंग एफिशिएंसी ऑफ काउंटर तो क्या होगी, किससे लिख रहा है, एफिशिएंसी ऑफ, एफिशिएंसी ऑफ काउंटिंग कितनी होगी, वन माइनस ई की पावर एस एल पी, ये फॉर्मूला याद रखना है, वन माइनस ई की, वन माइनस ई की पावर माइनस एस एल पी, ठीक है, वन माइनस ई टू दी पावर माइनस एस एल पी। पी क्या है, यहाँ गैस भरी हुई है, इसका प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस, कितने दाब पर प्रेशर भरी हुई है, और दाब दिया रहता है, इसमें भी दाब दे रखा है, कितना दाब दे रखा है, 2 से 10 सेंटीमीटर पारे के दाब पर, कितने पे, 2 से 10 सेंटीमीटर एच जी प्रेशर, ठीक है, जीएम काउंटर में इतने पे भरी हुई है ये, राइट। दूसरा क्या है, एल, सपोज करो आयनकारी पार्टिकल यहां से एंटर किया, कुछ तो दूरी तय करेगा, जब तक वो आयोनाइजेशन नहीं करेगा किसी का तब तक चलता रहेगा, तो कितनी दूरी आयोनाइजेशन से पहले वो तय करता है, तो L क्या है, L इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयोनाइजिंग पार्टिकल बिफोर आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन करने से पहले वो कितनी दूरी तय कर लेता है, ठीक है। और एस क्या है, स्पेसिफिक आयोनाइजेशन, स्पेसिफिक आयोनाइजेशन ऑफ गैस एट वन एटमोस्फेरिक प्रेशर, एक एटमोस्फेरिक प्रेशर पर इस गैस का आयनन विभव कितना है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, स्पेसिफिक आयोनाइजेशन। तो ये सब अगर आपको पता हो तो आप क्या निकाल सकते हो, एफिशिएंसी ऑफ काउंटिंग, एफिशिएंसी ऑफ काउंटिंग, गणना करने की दक्षता कितनी है, ये तो क्या थी, काउंटर की दक्षता कितनी है, गणितर की दक्षता कितनी है, और ये क्या है, गणना करने की दक्षता कितनी है, ठीक है।
ओके व्हाट इज टाइमिंग, अभी है 5-7 मिनट और देख के पूरा कर लेते हैं इसको। एक और फॉर्मूला यहाँ पे इसमें यूज किया जाता है, न्यूमेरिकल करने के काम आएगा। छोटी सी हेडिंग डालते हैं, पैरालिसिस टाइम। पैरालिसिस टाइम तो हमें पता चली गया क्या है, पैरालिसिस टाइम एंड, पैरालिसिस टाइम एंड रियल काउंट्स। रियल काउंट्स वास्तव में कितनी गणना करेगा और पैरालिसिस टाइम का। मान लेते हैं अपने पास एक काउंटर है और काउंटर का पैरालिसिस टाइम मान लेते हैं कितना, पैरालिसिस टाइम टो मान लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब एक पार्टिकल आया उसके बाद टो समय तक वो कोई दूसरा पार्टिकल आया तो उसको काउंट नहीं करेगा, तो एटलीस्ट टो समय बाद दूसरा काउंट पार्टिकल आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब इस टो समय के लिए काउंटर क्या रहे, क्या रहे, इनर्ट, एक क्रियाशील, कोई कार्य नहीं करेगा, ठीक है। इस टो समय के लिए काउंटर क्या है, इनर्ट है। मान लेते हैं आगे कैपिटल एन पार्टिकल्स पर मिनट एंटर कर रहे हैं, किसमें, इन काउंटर। काउंटर में कितने पार्टिकल्स एंटर कर रहे हैं, कैपिटल एन पार्टिकल्स पर मिनट, ठीक है। और काउंटर कितने को काउंट कर रहा है, एन, क्योंकि काउंटर सबको तो काउंट नहीं करेगा, कुछ कुछ समय के लिए बीच बीच में क्या है पैरालाइज्ड हो जाता है, तो मान लेते हैं इतनों को काउंट कर लेता है, स्मॉल एन पार्टिकल्स पर मिनट आर काउंटेड बाय द काउंटर, इनको काउंटर काउंट कर रहा है, ठीक है। ठीक है, अब देखो कितने पार्टिकल्स को काउंटर काउंट नहीं कर रहा है, नए काउंट करने वाले पार्टिकल्स का नंबर कितना है, n माइनस n, ठीक है। आ कितने रहे थे, n, काउंट कितने को कर रहा है, n को, तो n माइनस n पार्टिकल्स को काउंटर है जो काउंट नहीं कर रहा है, और ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है n n टो के प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल होता है, जितने ज़्यादा पार्टिकल आएंगे, जितने ज़्यादा पार्टिकल्स वो काउंट करेगा और टो, इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, काउंटर की एफिशिएंसी निकाल सकते हो या एन बाई एन निकाल सकते हो, तो स्मॉल एन बाई कैपिटल एन निकालोगे तो क्या आएगा, स्मॉल एन बाई कैपिटल एन, तो पूरे में कैपिटल एन का भाग दे दूँ, तो स्मॉल एन बाई कैपिटल एन, तो ये 1/2 इधर आ जाएगा, पर इधर भी तो है, कितना आ रहा है, 1 माइनस एन टू आ जाएगा, राइट, 1 माइनस एन टू आ गया, ठीक है। अब एफिशिएंसी निकाल लो, एफिशिएंसी क्या होती है, ईटा, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आपने काउंट किया है, इतने को, और कितने को आए थे एन, तो इस काउंटर की एफिशिएंसी क्या हो गई, 1 माइनस एन टू। तो आपको पैरालिसिस टाइम दे रखा है, कितने पार्टिकल्स ये काउंट कर रहा है, तो आप पार्टिकल की सॉरी काउंटर की एफिशिएंसी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब कुछ 3-4 न्यूमेरिकल है, इसकी कुछ एप्लीकेशंस है, लिमिटेशन है, उनमें 15-20 मिनट अपने को 7 बज जाएंगे, तो वो हम कल लिखेंगे, 7:15 हो गए वैसे ही, राइट। 5 मिनट का ब्रेक है, भारती, संदीप, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, ओके।
भारती ओके। 5 मिनट्स बाद वापस, ठीक है।